हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जेके विजन पर। क्या आप भारत के 5 ऐसे राज्यों के बारे में जानते हैं जो भारत को पूरी तरह से डुबा सकते हैं, जिनके ऊपर श्रीलंका और पाकिस्तान के तरह ही दिन पर दिन कर्जा चढ़ता जा रहा है। RBI द्वारा जारी की गई रिपोर्ट की माने तो प्रेजेंट टाइम में भारत के ऊपर करीब $624.7 बिलियन का कर्जा है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि डॉलर के अकॉर्डिंग तो भारत का कर्जा कई गुना ज्यादा है, तो बता दे कि इसके पीछे की वजह है इंडियन करेंसी, जिसकी मार्केट में बुरी तरह से पिटाई चल रही है। लेकिन जैसे ही भारत की करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम हो जाएगी, क्योंकि भारत के कुल 28 राज्यों में से कुछ ऐसे राज्य हैं जो हर साल कर्ज ले रहे हैं। आखिर इन राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इन राज्यों की सफर पर। नंबर 1 इज केरला। दोस्तों, भारत के सबसे कर्जदार राज्यों की लिस्ट में केरला का नाम 5वें नंबर पर है। हालांकि केरला में कर्ज का ये सिलसिला पुराना नहीं है। दरअसल केरला में कर्ज का बोझ कोरोना महामारी के वजह से पड़ा। दिनोहोर से समंदर से घिरे केरला में खेती के लिए भूमि भले ही कम ना हो, लेकिन इंडस्ट्रीज के मामले में केरला ने तेजी से तरक्की की है। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी केरला बाकी राज्यों से काफी अलग है। आज केरल में करीब 3.46 करोड़ की करीब लोग रहते हैं और यहाँ की कुल आबादी का करीब 60% हिस्सा है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसके लगा केरल में मछली पालन भी जोर शोर से होता है। सीपोर्ट के लिए केरला को दुनिया भर में जाना जाता है। साथ ही टूरिज्म सेक्टर में भी केरल की अच्छी पकड़ है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये केरल में 2 लाख के लगभग है। इस लिहाज से ये भारत की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने में 9 स्थान पर है। रिपोर्ट की माने तो वर्तमान समय में केरल पर 3.90 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज है। वही 11.6 लाख करोड़ की GDP के साथ केरल 9वीं रैंक पर है। साल 2022 में केरल के डेट टू GDP रेशियो की बात करें तो ये करीब 37% है, जबकि साल 2022 में ये 0.2% बढ़कर 37.2% हो चुका है। आगे बताते हैं कि आने वाले कुछ सालों में यानी करीब 2026 से 2027 तक केरल का डेट टू GDP रेशियो 38.2% हो जाएगा। शायद यही वजह है कि केरल की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल कर्ज की बोझ गले अपने कंधे झुकाने के मामले में पश्चिम बंगाल भी पीछे नहीं है। राज्य में 10.25 करोड़ की करीब लोग रहते हैं। ये वही राज्य है जो किसी जमाने में भारत की राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त कर चुका है। आबादी के लिए पश्चिम बंगाल 4थे नंबर पर आता है। पश्चिम बंगाल आजकल से नहीं बल्कि प्राचीन समय से ही भारत की इकोनॉमी में बड़ा साथ दे रहा है। भारत चाहे कृषि का हो या इंडस्ट्रीज की, वेस्ट बंगाल हर सेक्टर में आगे है। यहाँ सबसे ज्यादा आलू और चावल की खेती की जाती है। वाकिया आपको गन्ना, जूट, केहो और दूसरी फसलों की खेती भी भरपूर मात्रा में देखने को मिलती है। पश्चिम बंगाल में मछली पालन भी जोर शोर से होता है और मछली पालन के लिए यहाँ से वेस्ट बंगाल भारत में 2रे नंबर पर है। जिस चाय के जुसकिया आप सुबह सुबह लेते हैं, उसे उगाने में भी पश्चिम बंगाल पूरे भारत में 2रे नंबर पर है। वही बात अगर टूरिज्म की करे तो यहाँ के चाय के बागान और ताजी हवा का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से पर्यटक राज्य में आते हैं, जिससे वेस्ट बंगाल की अच्छी खासी कमाई होती है। 17.19 लाख करोड़ रुपीज की GDP के साथ पश्चिम बंगाल पूरे भारत में 5वें नंबर पर है। वही बात अगर कर्ज की करें तो आज के समय में इस राज्य पर 5.86 लाख करोड़ का कर्ज है। डेट टू GDP रेशियो की बात करें तो साल 2022 में पश्चिम बंगाल के ऊपर 34.4% का कर्ज था। यही कर्ज इस साल 0.2% से कर्ज कर हो गया 34.2%। लेकिन आने वाले समय में वेस्ट बंगाल का कर्ज बढ़ जाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। आंकड़ों का हिसाब से राज्य पर 2026-27 में कुल 30% डेट टू GDP रेशियो का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में 3रे नंबर पर जिस राज्य की हम जांच करने वाले हैं वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आबादी 23.15 करोड़ के लगभग है और इस लिहाज से भारत का ये राज्य दुनिया के करीब 19 देशों से आगे है। लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं, ये राज्य देश की GDP में भी महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। उत्तर प्रदेश की GDP मौजूदा समय में 24.49 लाख करोड़ के आसपास है। राज्य में कई थर्मल पावर प्लांट्स के साथ हाइड्रो पावर प्लांट्स मौजूद है। कृषि के लिए यूजफुल भूमि के साथ साथ ये राज्य प्राकृतिक संसाधनों से भी भरपूर है।
उत्तर प्रदेश में गन्ना, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों और आलू जैसी फसलें प्रचुर मात्रा में होती है। इसके लिए दूध उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश 14.93% की रैंक रहता है और राजस्थान जैसे राज्य के बाद दूसरे नंबर पर आता है। सिलिका, जिप्सम और बॉक्साइट जैसी धातुओं को निकालने में यूपी टॉप पर है। इसके लिए मिर्जापुर के आसपास कोयले की खानें भी मौजूद है, जो आजकल से नहीं बल्कि प्राचीन समय से भारत की अर्थव्यवस्था में सपोर्ट कर रही है। वहीं टूरिज्म के मामले में भी यूपी ही सबसे आगे निकलता नजर आ रहा है। इन दिनों सरकार भी पर्यटन सेक्टर में सुधार कर तेजी लाने की तरफ बढ़ रही है, लेकिन बढ़ती आबादी के चलते यूपी कई जगह पे चढ़ जाता है, जैसे पर कैपिटा इनकम, जिस पर राज्य की आबादी का बहुत असर पड़ता है। इसके लगवा यूपी की जनसंख्या को बिजली की भी भारी किल्लत झेलने पड़ती है। हाल ही में आई रिपोर्ट को देखें तो यूपी के ऊपर कुल 710,210 करोड़ का कर्ज है। डेब्ट टू जीडीपी रेशे की बात करें तो उत्तर प्रदेश साल 2022-23 यानी प्रेजेंट में 34.2% है। टैक्स इज राजस्थान, देश का सबसे बड़ा राज्य यानी राजस्थान भी कर्ज की मार से खुद को बचा नहीं पाया। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के मामले में भूरे भारत में राजस्थान से बैठा राज्य कोई नहीं। टूरिस्ट इंडस्ट्री के साथ भारत के इकॉनमी में सबसे ज्यादा योगदान देता है। इस राज्य का सबसे खूबसूरत शहर है जयपुर, जिसे निहारने के लिए हर साल हजारों लोग पहुंचते हैं। 15.7 लाख करोड़ की जीटीपी वाले राजस्थान में जीटीपी को लगभग 40% तक कृषि सेक्टर सपोर्ट करता है। खेती के लिए यहां से यहां बाजरा, मक्का, चना, सरसों, गुआर, बीन और मसालों की खेती सबसे ज्यादा होती है। मार्बल, गोल्ड, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और सिल्वर फॉस्फेट की बड़ी बड़ी खानें इस राज्य में मौजूद हैं। एडिबल ऑयल के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है। इसके लगभग पूरे देश में यूज होने वाले नमक का 10% राजस्थान से ही मिलता है। इसके लगभग सोलर सिस्टम और विंड मिल से बिजली प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन इसके बाद भी राज्य के ऊपर कर्ज का भार ऐसे चढ़ रहा है जैसे अर्जुन कपूर के ऊपर फ्लॉप फिल्मों का भार। मौजूदा समय में राजस्थान लगभग 537,000 करोड़ का कर्जदार है। डेब्ट टू जीडीपी रेशो की बात करें तो 2022 में वो इस साल 39.8% हो गया है, यानी राजस्थान को इस ओर ध्यान देने की अब जरूरत है। पंजाब का कर्ज बुलेट ट्रेन के रफ्तार से बढ़ रहा है। वैसे तो पंजाब को भारत में सबसे समृद्ध राज्य माना जाता है, इसे कृषि प्रधान राज्य कहे तो गलत नहीं होगा, जो पूरे देश में यूज होने वाले कुल गेहूं का 19% गेहूं और 11% से ज्यादा चावल प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा यहां जौ, मक्का और गन्ने को भी बड़ी संख्या में उगाया जाता है। पंजाब की टेक्सटाइल मार्केट पूरे भारत में सबसे बड़ी मानी जाती है। इसका रीजन है कपास। जी हाँ दोस्तों, पंजाब कपास को बड़े पैमाने पर उगाता है। हालांकि पंजाब में एक ट्रेंड है, यहां युवा बड़े होने से पहले ही कनाडा जाने का सोच लेते हैं। यही वजह है कि पंजाब की आधी से ज्यादा जनसंख्या इन दिनों किसी तरह कनाडा से करीक्ष है। इसी वजह से कनाडा को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। इस आबादी के साथ भी पंजाब कर्ज की मार झेल रहा है। मौजूदा समय में पंजाब की ऊपर 3.12,758 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है, जिसे दूर करने के लिए सरकार प्रयास करती नजर आ रही है। वही बात अगर डेब्ट रेशो की करे तो पंजाब पर साल 2020 से 2021 में 45.9% का कर्ज था, जो 2021 से 2022 में 49.8% हो गया। आने वाले साल यानी 2026 से 27 में पंजाब का कुल कर्ज 51.8% हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब तो आप समझ गए होंगे कि पंजाब की हालत किस तरह से खस्ता होते जा रही है, लिए पंजाब को इस तरह ध्यान देने की जरूरत है। अब आपको ये बताते हैं कि भारत की ये राज्य आखिरकार इतने कर्ज में डूबे कैसे है। जी हाँ, वही रेवड़िया प्री की रेवड़िया, जिन्हें बांटने का वायदा इलेक्शन के टाइम में लगभग हर सरकार करती है। यहाँ की सरकार अपने बजट का ज्यादातर हिस्सा कर्ज की ब्याज भरने में गमा देती है, जिस वजह से राज्य के विकास में कोई पैसा नहीं लग पाता और हर साल एक नया कर्ज राज्य के नाम हो जाता है। अब अगर इन राज्यों को खुद को कर्ज मुक्त बनाना है तो उसका सीधा और सिंपल उपाय यही है, जिसलिए राज्यों को अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी और राज्य के प्रगति पर ध्यान देना होगा, वरना श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत तो सबको पता ही है। खैर दोस्तों, आपके राज्यों को लेकर क्या राय है आप मन से, अगर कोई है इन मन से किसी राज्यों से तो हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।